आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। क्या जरूरत थी चुनाव में जिन्ना को लाने की, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने जिन्ना को लाकर खड़ा। गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रखी और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना ली। मैं पूरी समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को इस बात की चुनौती देता हूँ कि उनको आकर के जिन्ना के समर्थन की बात खुलेआम करनी चाहिए और जिन्ना के नाम पर वोट मांगना चाहिए। महंगाई का मुद्दा गोल है, बेरोजगारी का मुद्दा गोल है, बिजली पानी और कानून व्यवस्था का मुद्दा गोल है और यूपी की सियासत में हिंदू मुसलमान, राम कृष्ण, लाल पीला, ब्राह्मण ठाकुर और जिन्ना गन्ना का मुद्दा हिट है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लाल पीले पर जोर मार रहे हैं, बीजेपी सरकार में मंत्री मथुरा में राधे राधे पर विवादित बोल बोलते हैं, कांग्रेस दिल्ली में बैठकर राम नाम जपती है और लखनऊ का सपना सजोती है, तो बीजेपी सरकार के एक और मंत्री जिन्ना के नाम पर अखिलेश को चैलेंज दे देते हैं। सदा पढ़ेंगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर गए, बैरिस्टर बनकर के आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। जिन्ना पर यह बयान देकर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भारतीय जनता पार्टी को उन्हें घेरने का मौका दे दिया था और इसीलिए उस दिन के बाद से अब तक अखिलेश जिन्ना का नाम नहीं ले रहे। जिन्ना पर यह बयान देकर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भारतीय जनता पार्टी को उन्हें घेरने का मौका दे दिया था और इसीलिए उस दिन के बाद से अब तक अखिलेश जिन्ना का नाम नहीं ले रहे और सियासी चोट को कम करने के लिए अब अपने हरेक जलसे में गदा और तलवार उठाते हैं। जाहिर है बीजेपी जिन्ना वाले मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। 1946 आते आते प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत को विखंडन करने का जिम्मेदार अगर कोई है तो जिन्ना है। मैं पूरी समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को इस बात की चुनौती देता हूं कि उनको आकर के जिन्ना के समर्थन की बात खुलेआम करनी चाहिए और जिन्ना के नाम पर वोट मांगना चाहिए। जनता परेशान है, बदहाल है, बेरोजगार है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। जिन्ना साहब ने क्या किया था, क्या नहीं किया, ये कोई महत्व नहीं रखता है। देश की जनता किस तरह प्रताड़ित हो रही है, इसका महत्व ज्यादा है। आज वंदे मातरम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जिन्ना वाला पन्ना एक बार फिर पलटा जा रहा है और गन्ना किसानों को बोनस देने का योगी सरकार का प्लान समाजवादी प्लस गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी करता दिख रहा है। एक तरफ जिन्ना गन्ना पर फाइट है तो दूसरी तरफ राम राम और राधे राधे पर भी जंग चल रही है। योगी के मंत्री अगर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मसला उछाल रहे हैं तो कांग्रेस राम के नाम पर लूट मचाने का आरोप लगा रही है और इस बीच में अखिलेश यादव जी अपने रथ को आलिशान और बीजेपी के रथ को आम बताने के लिए चाउमीन का ठेला लेकर आ जाते हैं। उनके जो छह रथ देखे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, अगर ध्यान से आप देखोगे तो गोमती के किनारे जो लगते ना मिठाई के, खाने के और चाउमीन के ठेले, उस तरह का रथ दिखाई दे रहा है उनका। निश्चित तौर से श्री अखिलेश यादव जी को आजकल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाई दे रहे हैं। हमने 2017 में भी 6 यात्राएं निकाली थी प्रदेश में, उस यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा था और जनता ने साइकिल को पंचर नहीं किया था, खंड खंड कर दिया था और सपा की ऐतिहासिक विदाई कर दिया जिसकी अभी 25 साल तक कोई वापसी संभव नहीं। वंदे मातरम में उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासी हलचल के साथ ही पूरे प्रदेश में जगह जगह से क्या है चुनावी माहौल, हम बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ अगले 40 मिनट तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे मातरम, मैं आपके साथ रोहित रंजन और राष्ट्र हित की बात करना ही और देश हित की बात करने के लिए ही मैं आप लोगों के बीच में हूँ और यही मेरी पहचान है और आज मैं लेकर आया हूं देश का सबसे बड़ा शो जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ देश हित की ही बातें करूंगा
और मेरे साथ तमाम सहयोग भी जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में, बड़े करीब से हम इसका एनालिसिस करके भी आपके बीच में पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे साथ जो मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं वो उनके मेरे साथ जो मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं उनके बारे में भी आपको बता दूं कि मेरे साथ कौन सहयोगी है। गोंडा से अंजित श्रीवास्तव है, सोनभद्र से प्रिया सोमवंशी है, दिल्ली से अनुराग सिंह और लखनऊ से पूजा राठौर शर्मा। अपने तमाम सहयोगियों के पास चलूंगा और तमाम अपडेट बारीकी से आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन शुरुआत कर रहा हूं एक दिलचस्प खबर के साथ। सदा पढ़ेंगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए, उन्होंने आजादी दिलाई। जो तंगाई है, जिन्ना के अनुयायी है, ये करने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। यूपी की लड़ाई तो हार जिन्ना हमार गन्ना पर आ गई है, क्योंकि चुनावी महाभारत में शुरू हो चुकी है जिन्ना गन्ना पर सियासी ताता धिन्ना। हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से जिन्ना निकलता। टीपू को भगवा की ललका, छिप कर नहीं खुलकर मांगो जिन्ना के नाम पर वोट। मैं पूरी समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को इस बात की चुनौती देता हूँ कि उनको आकर के जिन्ना के समर्थन की बात खुलेआम करनी चाहिए और जिन्ना के नाम पर वोट मांगना चाहिए। योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक उस टीपू को ललकार रहे हैं जो कल तक जिन्ना के नाम पर वोट की खेती करने में मशगूल थे, लेकिन चुनाव में जिस तरह भगवा का जोर चल रहा है उसे देखकर जिन्ना के चेलों की बोलती इन दिनों बंद है। गदा गणेश के साथ प्रचार करना जिन्नावादियों की मजबूरी है। सदा पढ़ेंगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के मुखिया के लिए देश के बंटवारे का जिम्मेदार जिन्ना आदर्श है, लेकिन जिस पर बात होनी चाहिए उस पर बात नहीं हो रही है। जो ये तंगाई है, जिन्ना के अनुयायी है, ये करने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जिन्ना विश्वास है, वे दंगा करवाते थे और जिन्हें आस्था का सम्मान करना था उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाया। पहले भी हो सकता था, आगे किसने रोका था? कांग्रेस को किसने रोका था? बबुआ को, और किसने रोका था? बुआ को। जिन्नावादी अपने आदर्श पुरुष की बात कर रहे हैं तो वहीं सीएम योगी गन्ना की मिठास से यूपी के किसानों की झोली भरने की तैयारी में हैं। खबर है कि यूपी सरकार चुनाव से पहले गन्ना किसानों को बोनस दे सकती है। योगी सरकार 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने पर बोनस देने का विचार कर रही है और नजर राज्य के 50 लाख गन्ना किसानों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि जिन्ना कहीं ना कहीं अब गले में फांस बनता जा रहा है और दूसरी तरफ गन्ना का मुद्दा उठाकर अब बीजेपी उस पर लीड ले सकती है। अंजित जुड़ चुके हैं मेरे साथ गोंडा से। अंजित, जिन्ना और गन्ना क्या उलझन हो गई? रोहित देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव ने जिन्ना वाला बयान देकर अपने पैर पर उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली और यही वजह है कि बीजेपी अब उसको भुना रही है और इसी की राजनीति को समझते हुए अब अखिलेश यादव गदा लिए घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करें। और हम कह रहे हैं ना, आने वाले वक्त में ये नुकसान देने वाला है अखिलेश को और शायद बीजेपी इसे भुना रही है और यही वजह है कि बीजेपी गन्ना और जिन्ना का मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती। वैसे ये भी समझ में आता है और इसलिए हम कह भी रहे हैं कि देखिए चुनाव है और चुनाव में तो रंग बदलते ही रहते हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि चुनाव में जो चुनावी हिंदू है ना वो भी लगातार घूमते नजर आ रहे हैं। कोई भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची जो है मूर्ति वो लगाने की बात कर रहा है, कोई अब जालीदार टोपी छोड़कर कमंडल हाथ में लेकर चुनावी हिंदू बनने पर लगा हुआ है। तो ये चुनाव है और चुनाव की माया है और इस माया को समझते हुए वोटरों के बीच में अब लोग जा रहे हैं।
क्या भगवान राम हम समाजवादियों के नहीं? क्या भगवान विष्णु हमारे नहीं? याद करिए 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। मोदी से बाहर हिंदू बन जाओ। यूपी में भगवा के प्रचंड लहर को थामने के लिए विपक्षी नेताओं में सबसे बड़का हिंदू बनने की होड़ लग गई है। तब तो जिन्नावादियों में भी हिंदू प्रेम जाग गया है। यकीन नहीं होता तो इन तस्वीरों को देखिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे समाजवादी पार्टी 108 फीट ऊंची भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की तैयारी में है। मूर्ति बन चुकी है और उद्घाटन के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार है। उससे अच्छा मंदिर में बनाऊंगा, वो हमारी मर्जी है ना, कहाँ बनाएंगे, हमारे भगवान है, हम जहाँ चाहे वहाँ बनाएंगे, ये कौन सी बात है। एक और टीपू जिन्ना जाप छोड़कर मंदिर सिंदूर चुनरी की बात करने लगे हैं, लेकिन उनके पियरका चचा शायद हिंदू मुसलमान वाली सियासत से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तब तो रैलियों में डंके की चोट पर कहते हैं कि हिंदू पर कोई खतरा नहीं है। ना लगाई है, हिंदू खतरे में है, हिंदू ना खतरे में है। अरे भैया, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो हिंदू कहाँ खतरे में है। मुसलमान कहता कि हम खतरे में हैं, ईसाई कहता कि हम खतरे में हैं, जैन कहता कि हम खतरे में हैं, तो मान भी लेते। हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में अगर है तो योगी मोदी की कुर्सी खतरे में साथी। राजभर की पार्टी को छोड़ दें तो एसपी बीएसपी से लेकर कांग्रेस के नेता भी इन दिनों माथे पर टीका और गले में माता की चुनरी डालकर वोट की खातिर मंदिर मंदिर का चक्कर लगा रहे हैं। जाहिर है विपक्ष के नेताओं में बड़का हिंदू बनने की होड़ लगी हुई है। याद रखिए, ये तमाम के तमाम हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो या दूसरे पार्टियां हो, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है इस देश में। सबकी कोशिश ये कि मोदी से बड़ा मैं हिंदू बन जाओ। आपके वाले राजीव गांधी वजीर आजम से बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए, अच्छे हिंदू थे, वहीं से बताओ। एक और वैसी जनसभाओं में मुस्लिम वोट की खातिर विपक्षी नेताओं के हिंदुत्व के दाव की हवा निकाल रहे हैं, तो वही योगी आदित्यनाथ जनता को फ्लैशबैक में ले जाकर याद दिलाते हैं कि किस तरह 5 साल पहले हिंदुओं के पर्व त्योहारों में व्यवधान डालने राक्षस आ जाया करते थे। याद करिए 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। कोई पर्व और त्योहार आता था, पर्व और त्योहार के पहले दंगे प्रारंभ हो जाते थे। जन्माष्टमी का जुलूस नहीं निकलने दिया जाता था, नवरात्रि में दुर्गा मां की पूजा नहीं करने दी जाती थी, रामलीलाओं के आयोजन को रोका जाता था, कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी, पर्व और त्योहारों को हर प्रकार से व्यवधान डालने का प्रयास होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अब तो दंगाइयों को जहां जाना था वहां पहुंचा ही दिया गया है। कोरोना भी आपके पर्व और त्योहार को नहीं रोक पा रहा है। दरअसल हिंदुत्व के पिच पर खुलकर खेल रही बीजेपी से विपक्ष में इतनी घबराहट बढ़ गई है कि इनके नेताओं ने एक इच्छाधारी हिंदुत्व वाला चोंगा धारण कर लिया है। लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि जनता जनार्दन होती है, जिन्हें असली और इच्छाधारी हिंदुओं में फर्क करना भली भांति आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि चुनाव है और चुनाव में यहाँ पे इच्छाधारी हिंदू दिखते हैं। और ये भी होता है, अभी कमंडल लेंगे कल तक जो है वो जालीदार टोपी पहनते थे। प्रिया सोमवंशी जुड़ चुकी है। प्रिया, ये क्या चुनावी फॉर्मूला ही है क्या? तो बिल्कुल रोहित, देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव अपना मुस्लिम वोट बैंक भी नहीं छोड़ सकते और इसकी सियासत भी नहीं छोड़ सकते, और वो ये भी नहीं चाहते कि जो उनका पिछड़ा वोट वर्ग है वो भी छिटक जाए। और इसीलिए जिस तर्ज पर राहुल गांधी, ममता बनर्जी अपने आप को हिंदुओं के हितैषी साबित करने में जुट गए थे, ठीक उसी तर्ज पर अब देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव भी जुट गए हैं। लेकिन और हम ये कह रहे हैं ना कि अखिलेश के पिता ने जो किया, यानी जो कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी, उसका जो दाग मुलायम सिंह यादव पर लगा है, वो
उसे वो धुल नहीं सकते, उसे वो हटा नहीं सकते, लिहाजा मुश्किलें उनकी यहाँ से कम नहीं होती रोहित। और देखिए, और ये कहना भी मुश्किल नहीं होगा ज्यादा कि इस बार जो चुनाव है वो किन किन मुद्दों पर होगा, क्योंकि देखिए जनता के सामने सच्चाई है, जनता सब जानती है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि इस चुनाव में हो सकता है कि उनको कुछ ज्यादा फायदा भी ना मिले, और ये बेहद मुश्किल भी नहीं होगा रोहित। और इसलिए हम कह रहे हैं ना कि इन दिनों उत्तर प्रदेश की जो सियासत, बिल्कुल प्रिया, बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, इसलिए तो हम भी कह रहे हैं ना कि देखिए उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, उस सियासत में अब कहीं ना कहीं धर्म बहुत ज्यादा अहमियत रखने लगा है। और अब ये भी सोचिए कि जिस पिच पर भगवा बैटिंग करने में माहिर है, अब दूसरों को भी उसी पिच पर ला रहे हैं, और कांग्रेस इस सियासत में मजबूर होती जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये बताऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद। जारी है उस पार भी वंदे मातरम। यानी एक तरफ तो लगातार बड़का हिंदू बनने की होड़ लगी है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वापसी की तोड़ में जुटी हुई है, और इसी कवायद में, इसी कोशिश में कई बार वो औजार बीजेपी को थमा देती है जिस औजार को चलाने में बीजेपी को महारत हासिल है, यानी राम मंदिर का मुद्दा। धार्मिक स्थलों के विकास को यूपी के युद्ध में बीजेपी अपना सियासी एजेंडा बना रही है, और कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक खुद थाली में परोसकर भगवा ब्रिगेड को उनके लिए मुफीद मुद्दे देती जा रही है, चाहे वो हिंदू और हिंदुत्व का बयान हो या चुनाव आने पर हिंदुत्व की तुलना बोको हरम से करना हो। राहुल बाबा की पार्टी यूपी के बाबा मुख्यमंत्री के विकेट पर आकर खेल रही है। नहीं, और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। अब इसी कड़ी में राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस धांधली का मुद्दा लेकर आई और बीजेपी पर राम के नाम पर लूट का आरोप लगाने लगी। इसलिए पाप और श्राप के भागी हैं सारे भाजपाई, और अब प्रधानमंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए कि वो मंदिर के चंदे की लूट की जांच कब करवाएंगे, और ये जो संपत्ति भगवान श्री राम की अयोध्या में अर्जित की जा रही है भाजपाइयों द्वारा, इसकी जांच कब होगी। श्री राहुल गांधी जी जैसे श्री राजीव गांधी के पुत्र हैं, वो भी राहुल गांधी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी के पुत्र हैं, वह भी राहुल गांधी हैं। जो विषय पर जिनको व्याख्या करने का सामाजिक धार्मिक अधिकार है उनको उस पर व्याख्या करनी चाहिए। वो राजनीति करते हैं, राजनीति करें, और राजनीति में विचारधारा के आधार पर मुकाबला करें। प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में बीजेपी की जन समर्थन यात्रा निकली है, और अमूमन हर मंच पर कुछ ऐसा ही गाना चल रहा है। समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने भले ही राम मंदिर निर्माण को लेकर धांधली का आरोप लगाया है, लेकिन ये मुद्दा भगवा ब्रिगेड के कोर वोट बैंक को और मजबूत करता है। यही वजह है कि अपनी रैलियों में योगी आदित्यनाथ महाराज श्री राम का जिक्र जरूर करते हैं। पिछली सरकारें राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वर्तमान सरकार राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करती है और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। पिछली सरकार कांवड़ यात्रा पे रोक लगाती थी, और वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण कराती है। माहौल सियासी है, माहौल चुनावी है, और इस माहौल में अगर सरकार अपने कामों को लेकर जनता की कसौटी पर उतरने की कोशिश में है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां इस कोशिश में हैं कि किसी तरह से सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा सके, चाहे वो राम के नाम पर ही क्यों ना हो। क्या मतलब इसे क्या समझा जाए? वैसे तो हम ये कह ही रहे हैं कि देखिए राम के नाम पर कहीं ना कहीं ये
ये सबने मान लिया कि बीजेपी ने अपना काम बना लिया या बीजेपी का काम बन गया, तो क्या उस काम को देखते हुए अब कांग्रेस भी वही काम करने लगी है, जबकि पता है कि राम के नाम पर फिर से वो मुंह की खाएगी? बिल्कुल रोहित, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछले दशक से कांग्रेस सूबे की सत्ता में नहीं आ पाई है, और इस बार भी कांग्रेस पार्टी की हवा टाइट लग रही है, क्योंकि कांग्रेस मोदी के जादू के चलते बची कुची जो थी वो भी हाशिए पर चली गई है। अब कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को मुद्दा बनाकर वापस सत्ता में आने के ख्वाब देख रही है, जिन मुद्दों पर राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र और राज्य में कमल खिलाया था। लेकिन रोहित, हम एक बार फिर कह रहे हैं ना कि यहाँ पर भी सूबे में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की हवा टाइट लग रही है। रोहित, यूपी के चुनावी दंगल में हर दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। आज की तारीख में चुन चुन कर ऐसे ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जिससे वोटों का ध्रुवीकरण तेजी से हो, तो वहीं ऐसे बयानों की भी कमी नहीं जिसका सत्ता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उनके गुंडे, अपराधी और माफिया जो हैं, जो जालीदार टोपी रखते थे वो जेब में रख लिए, फिर वो लाल वाली टोपी लेकर के बाहर आ गए। आपकी तुम्हारी धोती खोल के गोरखपुर भेजा जाएगा, इंशाल्लाह। हम लोग डरने वाले नहीं। मथुरा से विधायक और योगी सरकार में कद्दावर मंत्री श्रीकांत शर्मा भी आज बोले, यूपी के ऊर्जा मंत्री हैं, ऐसे में उन्होंने बिजली और राधे राधे का कनेक्शन जनता को समझा दिया, कहा कि 24 घंटे बिजली चाहिए तो जोर से राधे राधे बोलिए। 24 घंटा चाहो तो और जोर से बोलो राधे राधे, बिना व्यवधान के चाहो तो और बोलो राधे राधे, और जो नहीं बोलेगा उनकी बिजली कट जाएगी। अभी बिजली खुद मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जिनको कटौती मिल रही है बोलो राधे राधे, जोर से चाहो तो बोलो और राधे राधे, 24 घंटा चाहो तो और जोर से बोलो राधे राधे, बिना व्यवधान के चाहो तो और बोलो राधे राधे, जो राधे राधे ना बोलेंगे बिजली बिजली कट जाएगी। चुनाव में सांड की भी एंट्री हो चुकी है, चाचा भतीजे की बनी ये नई जोड़ी सोते जागते सांड का ही सपना देखती है। लाल रंग देखकर के सरकार के लोग बड़े घबरा रहे हैं, जैसे ही लाल रंग दिखाई देता है वैसे ही घबरा जाते हैं। अभी हमारा नौजवान कोई कह रहा था कि लाल रंग से खेत में घबराता है। बड़का सणवा के कथवाणी मोतिया है, गलत ना ना बोले थे, आज जो छोटका ललका सणवा है अब सोच ले। यूपी के चुनावी दंगल में जहर घोलने वालों में हैदराबाद वाली लैला का कोई सानी नहीं है, खौफ की सियासत में हर रोज नए जहर घोल रहे हैं। यूपी की सियासी लड़ाई अब जुबानी नहीं बदजुबानी होने लगी है, नेताओं के जुबान तलख होते जा रहे हैं, और ये तब है जबकि अभी चुनाव की तारीख और आचार संहिता का ऐलान भी नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, यूपी के चुनाव में अब तक धोती लुंगी और अब सांड की एंट्री हुई, और ऐसा भी कुछ नई बात नहीं होने वाली, अभी बहुत सारी एंट्रीज होने वाली है। वैसे ये तो बता ही दिया गया है कि अगर राधे राधे बोला जाएगा तो करंट तेजी से दौड़ेगा, 24 घंटे बिजली मिलेगी, इसलिए राधे राधे बोलते रहना है। अब राधे राधे के बोलने से किसको क्या समस्या होगी या फिर किस परेशानी के साथ, या ये मान लें कि इसे भी सियासी मुद्दा बना दिया जाए, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन राधे राधे कहना है, 24 घंटे बिजली हासिल कर पाना है, ये कहना है। अब मुद्दा सांड पे आया, मुद्दा लुंगी पे आया, इतना भी नहीं, जिन्ना को भी तो जिंदा कर दिया गया, पूजा भी तो जुड़ चुकी है मेरे साथ, इसलिए हम कह रहे हैं ना कि ये यूपी की सियासत है, रंग देखते चलिए, ढंग देखते चलिए, जुबान सुनते चलिए। पूजा,
ये क्या माने, उत्तर प्रदेश की सियासत में इन सब की एंट्री प्रिडिक्टेड थी, पहले से मान के चला गया था हाँ कि ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं ना रोहित कि चुनाव में चर्चा में बने रहने के लिए और रैलियों में भीड़ खींचने के लिए ऐसे विवादित बयानात आते रहते हैं। और हम कह रहे हैं ना रोहित कि जनता इन बयानों में रस तो लेती है, मजे तो लेती है, लेकिन इन विवादित और बड़बोले बयानों से भीड़ खींची जा सके, उनको वोट हासिल किया जा सके। बिल्कुल, इन बयानों से जनता जो है अच्छे से समझ भी पा रही है कि क्या सियासत चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों के जुड़ने के लिए। और वंदे मातरम में अभी के लिए इतना ही, लेकिन छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है। आप अपना ख्याल रखिए।